खरगोन शहर में एक बार फिर अखिल भारतीय स्तर की महिला हॉकी स्पर्धा आयोजित होने वाली है। स्पर्धा की तैयारियों को लेकर आयोजन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें खेल मैदान सहित आने वाली टीमों में शामिल होने की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। आयोजन समिति के मंजित सिंह चावला ने बताया कि महिला ट्रॉफी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता रखी जा रही है। स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह चावला स्मृति में यह स्पर्धा 11 से 13 जनवरी तक होगी। स्पर्धा में जिले सहित देश प्रदेश की करीब 22 टीमें हिस्सा लेने वाली है, जो अपना खेल कौशल दिखाएगी। इस प्रतियोगिता से शहर सहित जिले की महिला खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। पूर्व विधायक रवि जोशी ने बताया कि यह 5वां आयोजन है। स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह चावला ने महिला खिलाड़ियों को मंच देने का जो सपना देखा था, वह आगे बढ़ रहा है। उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर यह खेल गतिविधियां बढ़ती रहे, इसका प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह जी चावला जी की स्मृति में 11 जनवरी से 13 जनवरी तक टूर्नामेंट प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें की सभी दूर की टीमें आ रही है। और ये बैठक जो आज उसी आयोजन व्यवस्था को लेकर की गई थी, जिसमें कि मैदान की व्यवस्था के लिए विशेष रूप से बातचीत की गई कि जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे से बेस्ट मैदान यहाँ उपलब्ध कराया है, जिससे कि उन्हें खेलने में भी आनंद आए और यहाँ के दर्शकों को भी खेल में आनंद आए। साथ में ही हमारा प्रयास महिला एकेडमी के द्वारा ये किया रहता है हमेशा कि महिलाओं को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। आज आप देख रहे हैं कि लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल चुका है। और महिला हॉकी की जहाँ तक बात करते हैं, मुझे ध्यान नहीं आता ऐसा है कि मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई हॉकी टूर्नामेंट होता है। इस कारण से लगातार 5वें वर्ष जब ये टूर्नामेंट प्रवेश कर रहा है, तो हमें आउट ऑफ स्टेट से कम से कम 5 स्टेट की इस बार हम जहाँ प्रतियोगिता में भाग टीमें ले रही है, आने वाले समय में हम चाहते हैं कि और 10 स्टेट की टीमें यहाँ रहे। अभी भी हमें जहाँ हम 12 से 14 टीमें ले रहे हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन हमें अभी भी 20 से 22 टीमों का ऑफर यहाँ पर आ रहा है। समय रहते और अच्छी से अच्छी टीमों का मैच लाएंगे, दर्शकों को यहाँ के लोकल दर्शकों को जो हॉकी प्रेमी उन्हें अच्छी से अच्छी हॉकी महिला टीम के द्वारा खेली जाए, इसका उन्हें आनंद दिया जाए, इसी भावना के साथ ये टूर्नामेंट किया जा रहा है। साथ में हम अपने सभी स्कूलों के बच्चियों को भी यहाँ विशेष रूप से इस बार आमंत्रित करने जा रहे हैं, जिससे कि उन्हें भी हॉकी के प्रति प्रेम बढ़े, खेल के प्रति प्रेम बढ़े और वो भी मैदान में आगे अपनी खेल प्रतिभा का जोहर दिखाए। धन्यवाद। आदरणीय चावला जी, सॉरी चावला जी, उन्होंने जो पहल की थी महिला हॉकी को लेकर जो निरंतर चल रही, आज बैठक हुई, फिर से आयोजन हो रहा, क्या कहना चाहेंगे? ये खरगोन का सौभाग्य है कि हमको स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह चावला जी के आशीर्वाद से उनके रहते हुए महिला हॉकी टूर्नामेंट का एक कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था। दो टूर्नामेंट उनके सामने हुए, दो टूर्नामेंट बाद में उनके नहीं रहने के बाद उनके टीम के बाकी लोगों ने किए हैं और आज ही 5वां वर्ष में हम प्रवेश करने जा रहे हैं महिला हॉकी टूर्नामेंट का। जो पिछले वर्ष हमने सोचा था कि अखिल भारतीय महिला टूर्नामेंट होना चाहिए, जो इस वर्ष 5 राज्यों की टीम आ रही है और स्वर्गीय सरदार मनमोहन सिंह चावला जी ने जो एक बड़ी सोच के साथ महिलाओं को, महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का जो सपना सोचा था, उस सपने को हम साकार कर रहे हैं सब लोग मिल के। और आज उनकी इस समय हमको ऐसा लगता है कि वो होते तो आज देश के सारे राज्यों की टीमें हमारे बीच होती, लेकिन दुर्भाग्य से वो हमारे बीच नहीं है। उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम को हर साल करते रहें, उनके सपने को साकार करते रहें और प्रतिवर्ष शानदार हम आगे बढ़ रहे हैं महिलाओं के मामले में। और आगे निश्चित ही हमको मीर रंजन नेगी जैसा कोच भी मिला खरगोन में, वो भी आए, उनने हमारी बच्चियों को कोच किया और उस कदम को हम आगे बढ़ाते रहें। और सब लोगों के सहयोग से मंजीत भाई चावला जी, चावला परिवार और खरगोन शहर के तमाम जो जागरूक लोग हैं वो इस टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। इस टूर्नामेंट में हम कुछ स्कूल कॉलेज की बच्चियों को भी जोड़ेंगे ताकि बच्चियों में एक खेल के प्रति उत्साह पैदा हो। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।